6B पेंसिल लिया अपन ने, शार्प करी, यहां से बहुत स्मूथली स्मूथली करना है अपन को, और एकदम से कोई ऐसे नहीं करके छोड़ दे क्योंकि ये बहुत गंदा इफेक्ट देगा। तुम्हें दिख रहा है यहां तक डार्क दिख रहा है तुम्हें, और फिर आगे आते आते ऐसे बहुत लाइट होता जा रहा है, और लाइट होता जा रहा है, और लाइट होता जा रहा है। ओके, तो ये अपना फोरहेड होता है। अब यही सेम चीज यहाँ पे करें, ये चीज थोड़ी यहाँ पे छोड़ देना, आई के ऊपर एक थोड़ी हाईलाइट सी लाइन दे सकते हो, वो हिस्सा छोड़ के बाकी पूरा हिस्सा ऐसे डाल। क्या है वो अपन ब्लेंडिंग स्टंप और अपनी मैकेनिकल इरेजर से भी करेंगे अभी बाकी पोर्शन, एक हल्का फुल्का वहां पे शेड होना चाहिए। तो ये शेड अपन ने कर दिया। अब लेफ्ट साइड वाले पोर्शन में अभी तक अपन क्या पूरा फिल करते हुए आए हैं, अभी क्या करना है अपन को, यहाँ से स्टार्ट किए और धीरे धीरे तो यहाँ पे धीरे से बहुत स्मूथ रखना है तुम्हें, ऐसे कोई रफ सा नहीं कर सकते, बहुत डार्क नहीं रखना है, तो धीरे धीरे करते हुए लाइट आए थे यहाँ पे, थोड़ा सा लाइट हो जाएगा यहाँ पे है, यहाँ आते आते लाइट हो गया, यहाँ यहाँ आते आते ऐसे लाइट हो गया। तो अब देखो एक बहुत अजीब सा कॉन्ट्रास्ट नहीं आ रहा है, ये एकदम ही डार्क आ गया है, अभी यहाँ से भी डार्क आएगा, यहाँ से भी डार्क आएगा, तो यहाँ से भी कॉन्ट्रास्ट आने लगेंगे अच्छे। 6B जो ली, 6B अब आई के इस वाले पोर्शन पे ऊपर शेड करना स्टार्ट करो, थोड़े यहाँ पे आए, थोड़े यहाँ पे आए, थोड़ा आई के पीछे हुए, अब यहाँ से नोज की तरफ कनेक्ट कर देगा, तो नोज पे पूरा भरना नहीं है और ऐसा कोई टेढ़ा नहीं ले जाएगा, नोज में इतने पोर्शन में तुम्हें शेड करना है बहुत लाइटली, तुम करोगे आराम आराम से बाहर ले जाते से लाइट हो गए, ठीक है, हल्का हल्का ऊपर लेगा, ऊपर ले जाते लाइट हो गए, हल्का हल्का अंदर अंदर लाइट हो गए, थोड़ा थोड़ा यहाँ पे करेंगे और लाइटली 6B से बहुत लाइटली करना है अपन को, ऐसे भर भर के करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये भी अपन ने कर लिया। अब आते हैं जॉ लाइन वाले पोर्शन पे, तो जॉ लाइन में जैसे मैंने एक्सप्लेन किया है कि अपन डार्क टू लाइट ले जाते, तो यहाँ पे डार्क, ऊपर ले जाते लाइट, यहाँ पे डार्क और ऊपर ले जाते लाइट, बहुत ज्यादा ऐसे बहुत मोटी लेयर डार्क नहीं रखनी है अपन को, ठीक है, रेफरेंस में तुम्हें समझ में आ रहा है, यहाँ पतली है, यहाँ थोड़ी ज्यादा है, यहाँ पे पूरा एरिया है अपना डार्क, उसी तरीके से रखना है ये। अब धीरे धीरे ऊपर आता जाएगा, ऊपर आता जाएगा, फिर इस वाले एरिया पे पहुंच गए अपन, इस वाले एरिया पे ऐसे धीरे धीरे सर्कुलर चलेगा, देखो ये एरिया थोड़ा बड़ा है तो यहाँ पे ये ना थोड़ा स्मूथ होना चाहिए, तो बहुत लाइटली करना है क्योंकि तुम उसके ऊपर 4-5 बार करोगे, 6B को अगर तुम डार्कली 4-5 बार चलाओगे एक ही जगह पे तो वो फिर वो डार्क टेंडिंग हो जाता है, और ऐसे नहीं एकदम से छोड़ दिया, ये भी बाहर जाते जाते ऐसे लाइट होता जाएगा। ओके, इस तरीके से अपन ने ये पोर्शन कर दिया, थोड़ा इसे नीचे की तरफ लाते लाते वो तो बाकी ब्रश से अपना हो जाता है, तो ये अपना शेड हो गया है। ब्रश लिया, यहाँ पे आराम आराम से अपन ने ब्लेंड करना स्टार्ट किया डार्क वाले पोर्शन में, डार्क टू लाइट लाते गए, देखो तुम्हारी स्पीड और मेरी स्पीड में डिफरेंस होता है, मैं अगर थोड़े से ब्रश स्ट्रोक्स में से स्मूथली ब्लेंड कर दूं तो ऐसा जरूरी नहीं कि तुम्हारा भी हो जाए, होता तो तुम्हारे में थोड़ी शेडिंग ज्यादा रफ हो तो मैं उसके अगर ज्यादा ब्लेंड करना पड़े, प्रेशर बहुत ज्यादा नहीं लगाते क्योंकि फिर वो गंदा लगता है। आइस के ऊपर करेंगे अपन, आइस के नीचे करा, अब ये वाला जो पोर्शन है तुम्हें क्या करना है इस तरीके से कर्व करो ताकि पहले बॉर्डर है फिर अंदर अंदर की तरफ लाते जाओ, ठीक है। आइस के ऊपर वाला पोर्शन अपन ने किया, ये तो अपन क्या है ब्लेंडिंग स्टंप से भी करेंगे, तो ये जो बीच बीच में थोड़ा छूट रहा है ना कोई परेशानी नहीं है,
राइस के नीचे, क्योंकि अपन को ये थोड़ा छोटा करना है ये वाला पोर्शन, तो इसके ऐसे धीरे धीरे आसपास सर्कुलर शेडिंग करो, सॉरी ब्लेंडिंग, ताकि एरिया थोड़ा कम हो। और याद रखना तुमने जहां जहां शेडिंग करी हो उसे स्मूथली ब्लेंड होना चाहिए। तुम्हें लग रहा कि एरिया रफ है तो उसे और ब्लेंड करो। ठीक है, फिर आराम आराम से नीचे वाला पोर्शन जो होगा, और नीचे वाला पोर्शन ऐसे उठाओ और ऊपर लेते जाओ। ठीक है, चीक जो चिन वाला है पहले उतने में ये भी है ओवल चला, उतने में क्या होता कि ये वाला पोर्शन हो गया तो तुम्हें बार बार एकदम स्पेसिफिकली धीरे धीरे करने की जरूरत नहीं है। अब ये ऊपर का पोर्शन है तो धीरे जल्दी जल्दी आते जाओ और ऊपर होता जा, ऐसे डार्क टू लाइट। अब तुम्हारा अगर लग रहा है तुमने एकदम लाइन बना के छोड़ दिया तो तुम्हें जरूरत है उसे थोड़ा बीच में हल्का हल्का शेड करने की, ताकि वो डार्क टू लाइट आता हुआ दिखे। तुम्हारे में अगर लाइन दिख रही है तो वो अच्छी चीज नहीं है लाइन दिखना। देखो ब्रश से आराम आराम से छोटे एरियाज हो जाते हैं। अब मान लो जैसे ये है कॉमन एरिया है, यहाँ पे तुम्हें जल्दी भी करना है तो कॉटन लो। ओके, सेम चीज कॉटन, इस बार थोड़ी छोटी सी ली ताकि एरिया जो छोटे छोटे हैं, इस तरीके से टिप्सी बना ली, मतलब छोटा सा बेस बनाया। यहाँ आराम आराम से सर्कुलर चलाता गया मैं। ठीक है, मैं बहुत प्रेशर नहीं लगा रहा हूँ वरना ये एरिया बहुत डार्क हो जाता है। आराम आराम से सर्कुलर चलाता गया या आराम आराम से यहाँ करता गया। थोड़ा नोज पे करता गया, देखो नोज पे आराम आराम से करना। ये वाले पोर्शन को धीरे धीरे ऊपर उठाओ ऐसे। ठीक है, अब अपन को क्या करना, सिंपली ये वाले पोर्शन जहां जहां अपन को थोड़ा ऑड लग रहा है कि ये इससे ज्यादा डार्क है लाइट है, उनके बीच में ब्लेंड करो ताकि वो एक जैसे दिखे अपन को बाद में। ऊपर का पोर्शन है, यहाँ ब्रश आराम आराम से चलाते जाओ। ठीक है, तो ये अपना चेहरे की जो ब्लेंडिंग है वो हो जाती है। इसके बाद नेक की करेंगे तो पहले इतना करो। फोर बी पेंसिल लो और नेक वाले पोर्शन पे आते हैं। तो पहले तो ये डार्क वाला जो पोर्शन है नीचे का, तुम्हें पता है डार्क टू लाइट लाना है, तो यहाँ पे ऐसे डार्क टू लाइट लेते हुए आओ। ओके, हल्का हल्का, मेनली ये 6B और 8B से होगा लेकिन अपना है अभी हल्का हल्का करना। ठीक है, थोड़ा सा लेते हुए अब यहाँ देखो, यहाँ पे भी तुम्हें सेंटर की तरफ डार्क टू लाइट जाता दिख रहा है, तुम्हें सीधी बात क्या करनी, इस तरीके से ये डार्क रखे तुमने, ये डार्क चल रहा है, ये मिड टोन सा है तुम्हारे, और यहाँ पे आने से पहले लाइट हो गया ऐसे। ये वाला पोर्शन तुम्हारा पूरे ही डार्क रहेगा नीचे का, डार्क रहा और सेंटर पे आते आते लाइट हो गया। पीछे का पोर्शन थोड़े प्रेशर के साथ करना क्योंकि डार्क है ज्यादा, ये धीरे धीरे डार्क किया और ये हो गया, ये धीरे धीरे डार्क किया और ये बस हो गया इतना अपना और लाइट। ठीक है, ये भी तुम कॉटन से ब्लेंड कर सकते हो, ऐसे लिया अपन ने सर्कुलर चलाई कॉटन डार्क वाले पोर्शन से और सेंटर की तरफ लाते गए लाइट पे। देखो बीच बीच में भरना नहीं है अपन को, मोस्टली ऐसे सर्कुलर चलाओ और सेंटर की तरफ लाते जाओ। ठीक है, इस तरीके से धीरे धीरे होता जाएगा। फिर इसके बाद अपन 6B वाली लेयर करेंगे। इतना करो पहले, 4B वाली लेयर सिंपल थी जैसी अपन ने 2B करी थी वैसी करनी है, बस थोड़ा और पीछे छोड़ना है। अभी इसके बाद 6B करेंगे, तो इतना करो। 6B पेंसिल ली,
और सिक्स बी में तुम डिफरेंस में देख सकते हो ये नीचे का पोर्शन डार्क है, ठीक है। तो एक हल्की हल्की लेयर आउटलाइन इसकी बना लो, बहुत लाइटली। अब ऐसा नहीं करना कि एक डार्क सी आउटलाइन दे दी तुमने चेहरे की, ये आउटलाइन है और तुम्हें पता है डार्क टू लाइट आना है। वैसे कोई एक मोटी सी एक डार्क लेयर बना के मत छोड़ देना, ये डार्क चल रहा है। नीचे आते 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 लाइट हो गया, ये डार्क चल रहा है, लाइट हो गया। पीछे की तरफ थोड़ी पतली सी लेयर है ऐसे ऊपर जाते हुए, डार्क है और आगे आते आते लाइट हो गई। सेम चीज यहाँ पे है, यहाँ पे बहुत आगे तक डार्क नहीं आएगा, यहाँ पे इस तरीके से डार्क है और अंदर आते आते लाइट हो जाएगा। सेम चीज यहाँ पर भी रखनी है तो नीचे आते आते लाइट हो जाए ताकि एक जैसा ब्लेंड हो। अपन को ऐसे नहीं रखना कि एक डार्क एक लाइट है, अजीब सा दिख रहा है, कॉन्ट्रास्ट नहीं आ रहा। ये भी डार्क है, फिर मिड टोन्स और फिर ये लाइट हो गया। सेम चीज यहाँ पे होगी, ऐसे डार्क है, अंदर आते 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 ये लाइट हो गया, ये पोर्शन डार्क है। ये तो जो हेयर्स वाला पोर्शन डार्क है ना, ये अपन और करेंगे आगे। अभी अपन एक बेसिक लेयर टाइप चीजें देते जा रहे हैं, ओके। धीरे धीरे डार्क है और फिर ये अंदर आते आते लाइट हो गया। तुम्हारा काम है पहली बात तो ये स्मूथली करना, ठीक है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, मेरी स्पीड और अपनी स्पीड को एकदम मैच करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा जो स्पीड स्मूथ आती है उससे करो, ओके। वो धीरे धीरे इंक्रीज होती है, एकदम से नहीं। अब अपन ऐसे वही कॉटन लिया अपन ने, कॉटन को पहले इस साइड वाले पोर्शन को ब्लेंड करो, ठीक है, ताकि तुम्हें एक आइडिया लग जाए कि कैसे ब्लेंड करना है ढंग से 6B, और सेंटर की तरफ लाओ, ओके। फिर सेम चीज यहाँ लेफ्ट वाले पोर्शन में करते गए अपन, लेफ्ट टू राइट होता जाएगा। अब ये चिन के और जॉ लाइन के जो नीचे वाला पोर्शन है, ऐसे आराम आराम से करो, ऐसे सर्कुलर, ठीक है। जैसे ये इतना सा है तो सर्कल इतने बड़े बड़े लगाओ, ऐसे ऐसे चलाओ, क्योंकि क्या होता है उससे क्या होता है डायरेक्ट डार्क टू लाइट वाला जो एरिया रहता है वो अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा दोनों एक दूसरे में बड़े बड़े सर्कल्स बनाने से। ठीक है, इस तरीके से। अब तुम्हें थोड़ा डार्क एरिया दिख रहा है तो इसको भी ऐसे चलाओ बड़े बड़े सर्कल्स, एकदम से कुछ नहीं दिखना चाहिए अपन को, अपन को हर चीज डार्क टू लाइट के उसमें शेड में से ब्लेंड हुई दिखना चाहिए। ये हुआ, इसके बाद भाई अपनी 6B पेंसिल लो और एक हल्का हल्का नीचे की तरफ जॉ लाइन का एरिया से शेड कर लो, क्योंकि अपनी रेफरेंस में ऐसा कुछ ड्रॉ नहीं था, वो अपन ने यूजुअली उसे शेड किया है, ओके। और फिर उसको ब्रश की मदद से ब्लेंड करो, ठीक है। तो इस तरीके से अपना फेस और जो नेक है उसमें लेयर्स शेड हो जाती है। अब अपन एक एक एलिमेंट इंडिविजुअली करेंगे।